हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय दल ने किया अकाल की स्थिति का आंकलन, तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों में खराब हुई फसलों का लिया जायजा। विधायक ने की चारा डिपो प्रारंभ करवाने की मांग। मानसून के दौरान तहसील क्षेत्र में औसत से भी कम वर्षा होने की वजह से अकाल के हालात खड़े हो गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें लगभग तबाह हो गई हैं। कुओं का जल स्तर रसातल पर पहुंच गया है। पेयजल का संकट अभी से गहराने की वजह से गर्मी के दिनों में पेयजल को लेकर उत्पन्न होने वाली विकट समस्या खड़ी होने की संभावना बन गई है। इन हालातों को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय दल स्थिति का आकलन करने के लिए शिवगंज पहुँचा। दल ने जिला अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर वहां फसलों की स्थिति तथा भूजल स्तर का आकलन किया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अकाल के हालात को देखते हुए वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय अधिकारियों का दल बुधवार की सुबह शिवगंज पहुंचा। यहां दल में शामिल अधिकारियों DMD निदेशक RP सिंह, दीप शेखर सिंगल, विजय कुमार ने विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर भंवर लाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ राम विश्वी, उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी से चर्चा की। विधायक लोढ़ा ने दल के अधिकारियों को बताया कि यहां भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। फसलें तबाह हो जाने की वजह से पशुओं के लिए चारे पानी की परेशानी खड़ी हो रही है। पशुपालकों को अपने पशुधन का पेट भरने के लिए महंगे दामों पर चारा खरीदना पड़ रहा है। जो पशुधन पहले 6-7 किलो धन देता था, पर्याप्त चारा नहीं मिलने की वजह से अब 2 किलो दूध ही दे रहा है। ऐसी स्थिति में यहां चारा डिपो तत्काल ही खोला जाना आवश्यक है ताकि पशुपालक सस्ती दर पर चारा खरीद सके। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद केंद्रीय दल भौतिक स्थिति का उत्पादन करने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ पालडी एम पहुंचा। यहां दल ने लक्ष्मण सिंह पुत्र केसर सिंह राजपूत के खेत में खड़ी अरंडी की फसल देखी जो लगभग सूख चुकी है। यहाँ केंद्रीय दल को बताया गया कि वैसे भी क्षेत्र में कुओं में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया था। मानसून के दौरान पहली बारिश 15 जुलाई 2021 को 27 mm हुई थी। किसानों ने इस उम्मीद के साथ फसल लगाई कि बेहतर बारिश होने पर अच्छी फसल मिल सकती है। विडंबना रही कि पहली बारिश के 51 दिन बाद दूसरी बारिश 6 सितंबर को 35 mm दर्ज की गई। इस दरमियान जो फसलें लगाई थी वो खराब हो गई। दल ने भी मौके पर खराब हुई फसलों को देखा। पालरी एम में आसपास के गांव के काश्तकारियों ने भी दल का वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। यहां से दल उत्मन गांव पहुंच वहां सरदार सिंह के खेत का भ्रमण किया। यहां काश्तकारों ने बताया कि क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे चला गया है, पानी नहीं मिलने की वजह से फसलें खराब हो चुकी हैं। आलपा गांव में दल ने धर्माराम वेनाराम सरगरा के खेतों में खड़ी फसल का आकलन किया। इस दौरान आसपास के गांव के किसान भी उपस्थित थे। इस दौरान सांसद देवजी एम पटेल ने भी अधिकारियों को क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी दी। शिवगंज तहसील के क्षेत्र के अकाल ग्रस्त क्षेत्र का आज केंद्रीय अध्ययन दल ने अरड़वाड़ा, उधम, जोयला, जोगापुरा, आलपा गांव का किया। जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांसद देवजी एम पटेल, उपखंड अधिकारी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष लुम्बा रामजी चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरपत सिंह राडबर, मंडल महामंत्री जितेंद्र सिंह आदि साथ रहे। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।